हाँ, तो आज भी हम लोग एमसीक्यू जो कोर्स जो CT2 हम लोग किए थे एमसीक्यू क्वेश्चन, हाँ उसी के सॉल्यूशन सॉल्यूशन अब हम देखेंगे क्या सॉल्यूशंस होते हैं और कैसे क्वेश्चन थे और लेवल क्या था और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन के मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चन के जो लेवल है बहुत अच्छे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन IAS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो उसी को हम लोग इस वीडियो में भी उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आज का क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर फॉर कोहेजन कोहेजन एम सी फॉर द सिंगल पाइल इज जनरल टेकन एज। कह रहा कि अगर बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर जो MC होती है, अगर क्ले के लिए कोहेजन के लिए हमें वह सिंगल पाइल के केस में लेना है, यूज करना है, तो वैल्यू क्या लेना चाहिए। तो हम लोग जनरली यह फार्मूला भी पढ़े थे, अब पाइल फाउंडेशन के अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर पाइल फाउंडेशन ऑफ फॉर ए अ क्ले फॉर क्ले, तो वहाँ पे हम लोग लेते थे क्यू स्मॉल क्यू बी की वैल्यू 9C। तो 9C सी तो कोहेजन होता है और जो 9 9 वैल्यू होती है वो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर होता है कोहेजन के लिए और उसकी वैल्यू होती है 9। तो MC की वैल्यू हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी MC इक्वल्स टू नाइन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए पाइल दिया है, ए पाइल डाया दिया है 0.45 डायमीटर, डी की वैल्यू दिया है 0.45 एंड एल की वैल्यू दिया, लेंथ ऑफ पाइल इक्वल्स टू दिया है, लेंथ ऑफ पाइल इक्वल्स टू 15 मीटर डीप इज प्लेस्ड इन ए प्योरली कोहेसिव सॉयल। तो सॉयल का नेचर क्या है, प्योरली कोहेसिव क्ले के लिए बोलना, इज प्लेस्ड इन द प्योरली कोहेसिव सॉयल इफ द कोहेजन ऑफ द सॉयल इज, तो सी की वैल्यू दिया है 45, सी की वैल्यू दिया 45 एंड एडहेशन बिटवीन द पाइल एंड द सॉयल इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ कोहेजन। तो हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द कोहेजन बोल रहा है, तो कोहेजन की वैल्यू तो दिया 40 45, सी की वैल्यू कितना बोल रहा है, सी की वैल्यू बोल रहा है 45 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, ये हो गया, ये तो कोहेजन की वैल्यू बोल रहा। लेकिन एडहेसन फैक्टर की वैल्यू जो होगा, एडहेसन एल्फा की वैल्यू बोल रहा है, एडहेसन फैक्टर इज हाफ द वैल्यू ऑफ कोहेजन, तो हाफ वैल्यू ऑफ द कोहेजन तो 45 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.5, 22.5 हो गया कोहेजन। देन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पाइल के लिए पूछ रहा है और क्ले के लिए है, तो फ्रिक्शन और एंड बियरिंग या एंड बियरिंग पाइल तो बोल नहीं रहा है, इसका मतलब दोनों वैल्यू आएगा। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू 9C, तो 9C की वैल्यू कितना है 45, 9C इंटू ए बी इंटू ए बी, तो ए बी क्या हो गया पाई डी स्क्वायर की वैल्यू, डी की वैल्यू दिया 0.45, 0.45 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो गया ए बी, प्लस एल्फा सी बार, एल्फा एल्फा सी बार, तो एल्फा की वैल्यू 22.5, 22.5 इंटू सी की वैल्यू 45, एल्फा सी बार इंटू ए एस, ए एस पाई डी एल, पाई डी की वैल्यू 0.245, 0.45 इंटू एल, एल लेंथ ऑफ पाई 50। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। यह आएगा 4541, यह आ रहा 541.5 किलो न्यूटन, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइल लोड टेस्ट इज जनरली यूजफुल टू, तो पाइल लोड टेस्ट जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो किसके लिए यूजफुल होता है, तो डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल
ये तो सही है। इवेलुएटिंग द सेटलमेंट ऑफ द पाइल, ये भी सही है। ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है। ना ना देखो कोई सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोनों वैल्यू निकालते हैं, सेटलमेंट भी कैलकुलेट करते हैं कितना सेटल होगा, और हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी निकालते हैं पाइल लोड टेस्ट से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ द पाइल। तो एफिशिएंसी ऑफ पाइल हम लोग कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ पाइल, एक तो फार्मूला हम लोग जो एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो तो हम लोग जानते ही है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी के फॉर्म में। दूसरा, अगर दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़े थे इफिशियंसी ऑफ पाइल कैलकुलेट करने के लिए, ग्रुप ऑफ पाइल कैलकुलेट करने के लिए, अगर नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम में नंबर ऑफ पाइल्स अगर गिवेन है और आर्क टेन वैल्यू की वैल्यू पता है, डी एस अपॉन आर्क टेन वैल्यू होता है टेन इनवर्स डी अपॉन एस, अगर इसकी वैल्यू पता है तो हम लोग कन्वर्स लेवेरी फार्मूला एक अप्लाई करके हम लोग इफिशियंसी ऑफ ग्रुप पाइल कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका कन्वर्स लेवेरी फार्मूला। तो इसका यूज करते हैं इफिशियंसी ऑफ ग्रुप पाइल कैलकुलेट करने के लिए। और कन्वर्स लेवेरी फार्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी दे दिया है, बोला कि फॉर फ्री स्टैंडिंग पाइल इन ए ग्रुप अरेंज इन द स्क्वायर पैटर्न, चार पाइल है और स्क्वायर पैटर्न में हम लोग इसको अरेंज किया हैविंग द आर्क टेन वैल्यू डी अपॉन एस, आर्क टेन वैल्यू की वैल्यू दिया है 17.445 इन डिग्री द एफिशिएंसी एज पर कन्वर्स लेवरेज फार्मूला। द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्स लेवरेज फार्मूला, एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्स लेवरेज फार्मूला क्या होता है, तो एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्स लेवरेज फार्मूला, तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ पाइल कितना दिया है, 4 नंबर ऑफ पाइल दिया है आपका इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पाइल तो 4 पाइल है, एक पाइल लिया और स्क्वायर पैटर्न में इसको हम लोग यूज़ किए हैं, स्क्वायर पैटर्न में हम लोग इसको अप्लाई किए हैं इस तरह से। तो एम और एन जो होता है रिवर्सिबल होता है, तो m हम लोग रो ले रहे हैं कि नंबर ऑफ पाइल इन ए रो, तो कितना है नंबर ऑफ पाइल एक रो में, तो 2 है। नंबर ऑफ पाइल इन ए कॉलम, 2 पाइल, तो ये भी 2 हो गया। तो m इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ पाइल इन ए रो, एक रो के अंदर कितना पाइल है, m हो गया। नंबर ऑफ पाइल इन ए कॉलम कितना है, 2 है। अब अकॉर्डिंग टू कन्वर्स लेवरेज फार्मूला एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप इज इक्वल टू ईटा जी इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फा, एल्फा यानी टेन इनवर्स वैल्यू होता है। तो यहाँ एल्फा अपॉन नाइन्टी और इसके ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, बड़े से ब्रैकेट के अंदर m n माइनस वन डिवाइड प्लस n m माइनस वन डिवाइड बाय m इंटू n, ब्रैकेट क्लोज। ये होता है फार्मूला। तो अल्फा की वैल्यू दिया है 17.45। m की वैल्यू दिया है, n की वैल्यू दिया है, तो ये हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 17.47 डिवाइड बाय 90, यहाँ पे हो जाएगा m ऑफ की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, तो 2 to 4 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 into 1 plus 2 into 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4।
तो 4/4, तो ये ऐसे 6 से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.8 आ जाएगा सॉल्व करने इफिशियंसी ऑफ फाइल ग्रुप। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए ग्रुप ऑफ 9 पाइल, तो 9 पाइल का ग्रुप है और एल की वैल्यू दिया है, एल इज इक्वल टू 15 मीटर एंड डाया दिया है आपका 0.0325 डाया दे दिया है मीटर। अरेंज इन द स्क्वायर पैटर्न, तो 3x3 के पैटर्न में है ये इन ए क्ले सोयल। सोयल क्या क्ले है, विद एन एवरेज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहाँ से सी क्यूर कितना हो गया 40, सी क्यूर 40, द एडहेशन फैक्टर इक्वल टू 0.9, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल एक्शन एंड नेगलेक्टिंग द एंड वेयरिंग विद द एफिशिएंसी ऑफ 100%। तो एंड वेयरिंग इसको निगलेक्ट करना है, तो इसमें अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी सिंगल पाइल के केस में लेना है। सिंगल पाइल के केस में अगर पाइल ग्रुप की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम निकालते हैं, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल इज इक्वल टू होता है इज इक्वल टू एल्फा की वैल्यू 1 और सी 40 इंटू ए एस होता है 4BL, अगर देखे होंगे 4BL। तो यह ग्रुप पाइल के बेसिस पे नहीं करना, कर इंडिविजुअल पाइल के बेसिस पे करना है। तो इंडिविजुअल बेसिस पे नंबर ऑफ पाइल इनटू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या पे सिंगल पाइल, तो नंबर ऑफ पाइल कितना है 9, ये 9 हो गया। और इंडिविजुअल फिक्स एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस अगर 0 है, तो सिंगल पाइल के लिए निकालना अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो क्या हो जाएगा स्मॉल QS इनटू AS और स्मॉल QS इंटू AS, ये हो जाएगा। और स्मॉल QS की वैल्यू क्या है एल्फा सी बार, एल्फा की वैल्यू 0.9 और C की वैल्यू 40 और AS की वैल्यू पाई डी है, तो पाई डी की वैल्यू 0.325 इंटू एल 15 मीटर। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 4962.14। तो बी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर ग्रुप पाइल इग्नोरिंग एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस विद एफिशिएंसी या पाइल ग्रुप इज 100%। देन आंसर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी में ग्रुप पाइल इक्वल टू 4962.14, तो बी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि क्वेश्चन जो डेटा वही है इन क्वेश्चन नंबर 4, तो ये पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं बोल रहा हूँ 4 था। इफ ग्रुप इफिशियंसी फैक्टर यानी ईटा की वैल्यू 0.7 ले रहा है, तो सेंटर स्पेसिंग आप एक पाइल बोल रहा है, तो सेंटर स्पेसिंग निकालना है, बहुत सिंपल है। तो बी हम लोग निकालेंगे, बी इज इक्वल टू, तो अच्छा बी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा स्पेसिंग का भी, लेकिन बी निकालना पड़ेगा अगर ग्रुप इफिशियंसी ग्रुप पाइल के लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी चाहिए। तो मैं बताया था कि एक तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर ग्रुप पाइल की फार्मूला हो गया एन इंटू अल्टीमेट, अब इसमें एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस नहीं लेना तो QSF हो जाएगा, ये हो गया एक फार्मूला। दूसरा ये है कि यहाँ पे एल्फा सी बार और
AF यूज करेंगे ग्रुप पाइल के लिए, तो दोनों अब ग्रुप पाइल के लिए अल्फा होता है 1 और C की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो देंगे। तो अगर हम लोग इस ये वाला फार्मूला नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इंडिविजुअल फाइल से, तो पिछले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे जो क्वेश्चन था, इसमें इसमें कहीं ना कहीं ये वाला नीचे वाला फार्मूला यूज होगा और उससे स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा, इसमें स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो स्पेसिंग इसमें पहले बी निकालेंगे क्योंकि ए एस इक्वल टू ग्रुप पाइल के लिए अप्लाई करेंगे, अगर ये फार्मूला अल्टीमेट लोड करेंगे या फिर ये ग्रुप पाइल निकालने के लिए, तो ए एस इक्वल टू था 4BL, L तो पता है, L की वैल्यू हमारा था 15, लेकिन B की वैल्यू नहीं पता। तो B की वैल्यू अगर 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म में फाइल अरेंज है तो उस केस में होता है 3 है तो 2 एक कम कर देते हैं तो 2S प्लस D, ये हो जाएगा B निकालने का फार्मूला। अब 2S स्पेसिंग तो पता नहीं है, स्पेसिंग पूछ रहा है क्वेश्चन में, D की वैल्यू हो जाएगा 0.325, तो यहाँ से efficiency of pile is equals to 0.7, ये फैक्टर दिया है, into ultimate load carrying capacity of a group pile divide by n times ultimate load carrying capacity of a single pile, तो ये वैल्यू तुम्हें पता है, ये वैल्यू हमें पता था कितना आया है। अब ये वैल्यू हमें निकालेंगे तो एल्फा की वैल्यू 1 और सी बार की वैल्यू 40 और ए एस की वैल्यू हो जाएगा 4, बी की वैल्यू हो जाएगा 2S प्लस 0.325 बी इंटू एल, ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे आ गया आपका 9 इंटू 0.9 40, तो 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, और पाई डी एल, तो पाई डी 0.325 इंटू एल, एल कितना 15, तो 15 से 15 यहाँ भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन एक अननोन एस स्पेसिंग ऑफ स्पेसिंग, यहाँ से स्पेसिंग निकालेंगे तो आएगा 880.75, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो एक तो यह तरीका है, ऐसे में हम लोग स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कन्वर्स लेवेरे फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो ये कन्वर्स लेवेरे फार्मूला यूज करेंगे तो 0.7 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू नहीं दिया है निकाल सकते हैं तो 90, और यहाँ पे हो जाएगा m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है तो 3 into 2 प्लस 3 into 2 ये रह जाएगा डिवाइड बाय 3 into 3 ये हो जाएगा, और एल्फा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एल्फा हो जाएगा 10 इनवर्स डी, डी की वैल्यू हो गया 0.325 और डिवाइड बाई एस, एस निकालना है तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, एक इक्वेशन एक अननोन एस, तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 880.75 स्पेसिंग आ जाएगा एम एम। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आसान ही है। का डायमीटर दिया है फाइल का, डी इक्वल टू दिया है 0.35 एल क्यू 10 दिया है, लॉन्ग फाइल ड्रिवन इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, डिपॉजिट ग्रेट डेप्थ फॉर ए सी इक्वल 60 दिया है, एडिशन फैक्टर एल्फा 2.8, फैक्टर ऑफ 52 दिया है, अलाउबल लोड कैरिंग कैपेसिटी पूछा है। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग ग्रुप पहले क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रुप कहीं मेंशन नहीं किया है, तो सिंगल पहले क्वेश्चन है। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे कैपिटल क्यू ई वी अब प्लस कैपिटल क्यू एस एफ निकल जाएगा, क्यू एस एफ और कैपिटल क्यू ई वी इक्वल टू स्मॉल क्यू इन टू ए वी, स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा प्ले के लिए, तो 9 हो गया, सी सी की वैल्यू कितना 60, सी की वैल्यू 60 है, प्लस 9 सी ए वी पाई डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितना 0.35 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो गया ए बी, प्लस एल्फा सी बार, एल्फा की वैल्यू 0.8, सी की वैल्यू 60, सी की वैल्यू 60 और तो एल्फा सी बार ए एस, ए एस की वैल्यू पाई डी है, पाई डी की वैल्यू 0.35 इंटू एल, इंटू एल की वैल्यू कितना 10 मीटर, तो 10 मीटर ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल, तो ये हो जाएगा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल इक्वल टू हो जाएगा 5579.94 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। therefore allowable ultimate load carrying capacity, allowable load on pile foundation, allowable load on pile foundation equals to ultimate load carrying capacity of a single pile, ultimate load carrying capacity of a single pile 579.94 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 2, यहाँ सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, 289.87, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 289.87। इसमें भी कैनवर्स लाइब्रेरी फार्मूला अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, और एक ग्रुप पाइल अब 9 है तो 3x3 का है, 3x3 बोला होगा, डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, फाउंडेशन फॉर ए कॉलम इन यूनिफॉर्म डिपोजिट ऑफ क्ले दिया है, सी की वैल्यू दिया है, एडिशन फैक्टर दिया है, स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स इज स्पेसिंग दे दिया एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू दिया है 650, तो यहाँ से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.65 मीटर। नाइन पाइल आर ग्राउंड अरेंज इन ए स्क्वायर पैटर्न, 3x3 तो एम की वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ ग्रुप पाइल इज पर कन्वर्स लेवर फार्मूला, तो कन्वर्स लेवर फार्मूला अकॉर्डिंग टू कन्वर्स लेवर फार्मूला इफिशियंसी पाइल ग्रुप इक्वल टू 1 माइनस एल्फा डिवाइड बाई 90 और m ब्रैकेट में n माइनस वन प्लस n और ब्रैकेट में m माइनस वन होल डिवाइड बाई m इंटू n ब्रैकेट क्लोज। तो एल्फा की वैल्यू एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है r tan वैल्यू, तो tan इनवर्स d अपॉन h, तो d की वैल्यू कितना, d की वैल्यू दिया है 0.25 डिवाइड बाई एस की वैल्यू स्पेसिंग 0.65, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एल्फा फिर निकल जाएगा 21.03 आ जाएगा, एल्फा की वैल्यू 21.03, तो एल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ पे एल्फा की वैल्यू
एम क्यूर थ्री है तो ये हो जाएगा टू टाइम्स थ्री इंटू टू डिवाइड बाई थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री तो थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर बाई थ्री, ब्रैकेट वाला हो जाएगा फोर बाई थ्री, तो हो जाएगा ये आपकी वैल्यू वन माइनस एल्फा की वैल्यू 21.03 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इफिशियंसी कॉस्ट हो जाएगा 0.688, तो आ जाएगा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.688, तो हो जाएगा राउंड अप करेंगे 0.69, तो ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। द कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ फाइल ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर इंडिविजुअल एक्स्ट्रा विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ लोड पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, डेटा वही पिछला वाला उठाना है और डेटा पिछला वाला उठाना है तो डेटा इसमें पिछला वाला उठाना है, इसमें एंड बियरिंग रेजिस्टेंस पाए तो ग्रुप, तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट, दोनों फार्मूला सिंगल फाइल के लिए अप्लाई करेंगे और ग्रुप फाइल वाला फार्मूला दोनों अप्लाई होगा यहाँ पे, तो ग्रुप फाइल एंड अगर सिंगल फाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पे सिंगल फाइल, तो सिंगल फाइल क्या हो जाएगा और स्मॉल क्यू बी इंटू ए बी, तो स्मॉल क्यू बी क्या हो जाएगा प्ले है, प्ले तो 9 सी की वैल्यू कितना दिया है, सी की वैल्यू 45 दिया था, 45 देख लेते हैं क्या वैल्यू दिया है, 45 दिया है, 55 एल्फा की वैल्यू 0.9 दिया था, एल की वैल्यू 13 और डी की वैल्यू 0.25 और 0.65 ये वैल्यू दिया है, तो एल्फा सी ए बी पाई पाई डी स्क्वायर, डी तो डी की वैल्यू 0.25 हो गया, 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू एल्फा, एल्फा की वैल्यू 0.9 सी बार, सी की वैल्यू 55 इंटू एस, एस की वैल्यू पाई डी एल, तो पाई डी वैल्यू 0.25, एल की वैल्यू 13 मीटर, इसको सॉल्व करेंगे सिंगल पाइल के लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगा, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पे सिंगल पाई तो यह आएगा 529.70, यह आ जाएगा 529.70 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन सिंगल पाइल के लिए, और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर ग्रुप पाइल अगर निकालेंगे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके तो आ जाएगा एल्फा 9C, तो 9C की वैल्यू 55 और बेस एरिया बी स्क्वायर, स्क्वायर पैटर्न बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की बी की वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पे बी टू इंटू एस 0.65 टू एस प्लस डी 0.25 इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका ए बी प्लस एल्फा की वैल्यू 1, तो 1 एल्फा सी बार, सी बार यानी 55, सी की वैल्यू दी 55 AS हो जाएगा 4BL, 4 B की वैल्यू 2 इंटू एस की वैल्यू 0.65 प्लस D 0.25 ये हो गया B 4BL L 13 इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर ग्रुप फाइल आ जाएगा
यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से वैल्यू ये आ जाएगा आपका 3289 3289.44 किलो न्यूटन। और इसमें 9 से मल्टीप्लाई जब करेंगे इसमें n इंटू क्यू क्यू यू क्यू होता है दोनों कंपेयर करेंगे दोनों में से जो मिनिमम होगा वो वैल्यू लेंगे अलाउर से ऑफ लोड निकालने के लिए। तो दोनों n टाइम n से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 9:529 तो 4000 के आसपास हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू, ये दोनों में से कम कौन है, ये मिनिमम कम होगा। तो सेफ लोड देयरफॉर सेफ लोड ऑन ग्रुप पाइल देयरफॉर सेफ लोड या अलाउएबल लोड ऑन ग्रुप पाइल इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल और एन टाइम्स एंड नंबर ऑफ पाइल इंटू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल। तो दोनों से जो मिनिमम कौन आ रहा है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल तो इसकी वैल्यू आया 3289.44 और फैक्टर आपसे भी दिया है 2.5। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ रहा 1315.77। तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, ब्लॉक एक्शन के अकॉर्डिंग निकालेंगे तब भी फैक्टर आपके 3 आ जाएगा। ब्लॉक एक्शन बोला था स्पेशली आपको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल निकालना पड़ेगा, ग्रुप पाइल ये फार्मूला। और इसमें फ्रिक्शन अप्लाई करें एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस नहीं, ब्लॉक एक्शन बोला तो इसमें फार्मूला आप नॉर्मली यूज करेंगे अल्फा सी बार एन टू ए एस और यहाँ अल्फा की वैल्यू 1, सी की वैल्यू हो जाएगा 55 और ए एस की वैल्यू हो जाएगा 4 बी एम। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर 1624 ए ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन पर।
तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी, थैंक यू टू।